subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आज के शो में हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान से गए हुए एक ऐसे हिंदू परिवार के हवाले से जिन्होंने राजस्थान में ख़ुदकुशी कर ली। जो मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, और इस पर मेरे साथ जुड़ेंगे वीडियो लिंक पर डॉक्टर उमेंद्रा रत्नू साहब। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पाकिस्तान से हिंदू और सिख जो हैं उनको भारत में बसाने के लिए एक वसी पैमाने पर काम कर रही है, और सिलसिले में वो बहुत डेडिकेटेड हैं। इसके अलावा बातचीत हम करेंगे बेलारूस में जो इंतखाबात हुए उसमें वहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ने यह दावा किया कि उन्होंने 80% से ज़्यादा वोट लिए, और अपोजिशन का और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये इंतखाबात एक बहुत बड़ी धांधली पर मुश्तमिल है। बेरूत का पॉलिटिकल क्राइसिस जो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के बाद शुरू हुआ, जिसको लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये यूँ लगता था कि जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, उसके बाद ना सिर्फ ये कि कैबिनेट रिज़ाइन कर चुकी बल्कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी रिज़ाइन कर चुके हैं। अमेरिका में जो सूरत हाल है वो बहुत ही तश्वीशनाक है, वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है, इलेक्शन का समय है, और जो पोलराइजेशन है वो भी बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ साथ जो अहम बातचीत होगी हमारे आज के इस तजिए में वो होगी एक इंटरेस्टिंग डिबेट जो बिल गेट्स और फरीद ज़करिया की CNN टेलीविज़न पर हुई। उस गुफ्तगू के सिलसिला में पाकिस्तान और भारत के सोशल मीडिया पर एक घमसान की जंग शुरू हुई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि COVID-19 की वैक्सीन तैयार हो गई है। बहुत अहम बात है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, और इसके साथ साथ बातचीत होगी अमेरिका के इलेक्शन के सिलसिले में। जो बाइडन ने वही फिर कार्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का फिर खेला, एक बार उन्होंने कहा था कि जो ब्लैक्स उनको वोट नहीं देंगे वो ब्लैक्स नहीं हैं, अब उन्होंने रिसेंटली यहाँ तक कहा कि हिस्पैनिक जो कम्यूनिटीज़ हैं वो उस तरह नहीं डेमोक्रेट्स के साथ या उस तरह आपस में नहीं जुड़ी हुई और डेमोक्रेट्स की मदद नहीं कर रही, वो ये कहना चाहते थे, जिस तरह ब्लैक्स कर रहे हैं। वही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड वो भी खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी ये भी कोशिश है कि कलर्ड बैकग्राउंड की कोई वेमेन इसमें आगे आए। ये वो सारी बातें हैं जो हम करेंगे। बहुत अहम पेशरफ्त कैनेडा में हुई, हिंदू मंदिरों को 11 अगस्त से 1 सितंबर तक कोविड के ज़माने की वजह से लाउड स्पीकर्स पर 5 मिनट के लिए अपने भजन अपनी रिलीजियस हाइम्स को पेश करने की परमिशन कुछ शहरों की तरफ से मिल रही है। और इसके साथ साथ एक खबर इंटरनेशनल मीडिया पर सऊदी डेथ स्क्वाड के हवाले से है कि किस तरह वो सऊदी इंटेलिजेंस के एक शख्स जो अब यहाँ कनाडा में रहते हैं उसको मारने के लिए यहाँ पर आना चाहता था, मगर कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको यहाँ घुसने नहीं दिया। ये है आज की बिला तकल्लुफ बातों के मौजूआत। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और हम आपके साथ इन सब बातों पर अपना तबसरा लेकर आएंगे। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। पाकिस्तान के जो हिंदू हैं जिनके साथ इतना जुल्म होता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 बच्चियों की फोर्स कन्वर्जन और मैरिजेस डेली होती है, ये कंफर्म रिपोर्ट है। जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं अलग हैं, वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ इसके अलावा जो बुरा सलूक होता है वो एक रैकेट। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी पब्लिश की रिसेंटली। इन सब बातों पे मेरे साथ वीडियो लिंक पे हैं डॉक्टर उमेंद्रा रत्नू भाई। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले तो हम इस घटना के बारे में बात करेंगे, इस पे कई चल रही है जो है सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव्स हैं। आप चूँकि प्रिसाइजली आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी टीम इसी पे काम कर रही है, आप हर महीने शायद सैकड़ों जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं पाकिस्तान में जो जुल्मों सितम का शिकार हैं आप उनको निकाल के भारत में बसाते हैं,
तो इस वक्त कोविड 19 इस पर भी मैं बात करूंगा, वो बेचारे फंसे हुए हैं। लेकिन इस घटना पे सबसे पहले बात करते हैं, ये क्या खबरें आ रही हैं, आपकी टीम को क्या खबरें मिल रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर भाई मुझे बुलाने के लिए, और हमेशा की तरह आपसे मिलना, आपसे बातचीत करना एक बहुत सुखद अनुभव होता है। एंड योर न्यू हेयर स्टाइल इज सूटिंग यू वेरी वेल, डोंट चेंज इट, कीप इट दैट वे। तो इस विषय में ये हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की है। हमारी जो टीम है जोधपुर में वो भील समुदाय की ही है, और ये लोग मरने वाले भी भील समुदाय से थे। इनको भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है, एक तरह से मूल निवासी भी कहते हैं कि जो आदिकाल से रहते आ रहे हैं भारत में, जंगलों में रहते थे ये लोग, और आज भी बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश में और कई जगह पर भीलों का पूरा पूरा एक समाज रहता है। इनमें एक लड़की थी लक्ष्मी करके, उसके कुछ इश्यूज थे, वो डोमिनेट करना चाहती थी पूरे परिवार को, और वो उसने पुलिस की धमकियां, और वो एजुकेटेड भी थी, और उसी की वजह से इस पूरे परिवार ने तंग होकर आत्महत्या करी है। अब इसमें हुआ ये है कि एक व्यक्ति इस परिवार का बच गया है, वो बाहर सो रहा था, कुछ कुछ बात ऐसी हुई, अब उसका कल बयान आ जाएगा। तो ये सारी जो धुंध, इस जो धुआं इसके खिलाफ पूरा जो लेफ्टिस्ट मीडिया ने क्रिएट किया, वो सब छट जाएगा। इस विषय का ना तो कोई जिहादी लिंक है, ना इस विषय का कोई कांग्रेस से लिंक है, यह एक स्ट्रे इंसिडेंट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें कुछ ये देखना कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की दुर्गति होती है, भाई द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं होता, जो चीज आंखों देखी है। मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तानी हिंदू और सिख शरणार्थियों के साथ काम कर रहा हूं, तो लगभग 2000 हिंदू रोज हर माह निकलकर आ रहे थे पाकिस्तान से जनवरी तक। तो अगर सब कुछ वहां पर अच्छा है तो निकल के क्यों आ रहे थे? किसी का कोई बुद्धि का कोई भेद तो नहीं हुआ है, कोई पागल तो नहीं है कि निकल के आ रहा हूं वहां से? तो एक इंसिडेंट के पीछे इस तरह पीछे पड़ना, ये दिखाता है, यू नो इट शोज कि कितने आतुर हैं ये लोग कितने ईगर हैं कि किसी भी तरह से इस इशू को मलाइन किया जाए, और ये कहा जाए भारत में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है, जो कि सरासर असत्य है, झूठ है, अनर्गल है और निराधार है, कोई बेसिस नहीं है इस बात का। तो आपने बात बिल्कुल वाजे कर दी कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, और इसकी बुनियाद पर ये कहना कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के साथ ये सलूक है, हो रहा है भारत में, ये एक बहुत ही स्टूपिड सा एनालिसिस होगा, चूँकि वहाँ से तो हज़ारों हिंदू निकल रहे हैं और लाखों, जो अब तो शायद लाखों नहीं, अब तो हज़ारों ही रह गए हैं, वो निकलना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो उनकी क्या सूरत है? कोविड 19 का ज़माना है, वो तो बेचारे और पिस रहे हैं। हमने डॉक्टर साहब बहुत सारे वीडियो क्लिप्स देखे कि उनको खाने नहीं मिल रहे, वो लाइंस में लगे हुए हैं इसलिए कि वो हिंदू हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद एक स्टोरी की, और हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स का लेफ्ट का होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उनको भी ये मानना पड़ा कि कितना उनके लिए कठिन ज़िंदगी का सिलसिला है वहाँ पर। तो इस वक्त के जो कोविड 19 के ज़माने की दिक्कतें हैं, तो इनकी क्या दिक्कतें आपको तक पहुँच रही हैं, यानी वो तो और सफ़र हो रहे हैं, और कैसे उनकी मदद की जा सकती है? मुझे नहीं पता ताहिर भाई इनकी सहायता हम कैसे करेंगे, लेकिन मेरी कुछ जो अंदर की जानकारी वहाँ के लोगों से बात हुई है, उसे पता चला है कि पिछले 4 महीने में 1500 हिंदू परिवारों ने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम ग्रहण कर लिया है, क्योंकि न उनके पास खाने को रोटी थी, न तन रखने को कपड़ा बचा था, और जीवन की मूलभूत सुविधाएं उनके लिए वंचित हो गए थे। प्रति सप्ताह ऑन एन एवरेज पर वीक मेरे पास एक कॉल आ जाती है, जहां से रोते हुए हिंदुओं का फोन आता है कि डॉक्टर साहब अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम धर्म नहीं बचा सकते। तो मैं भी फिर कहता हूँ कि नहीं, जान बचाना ज्यादा जरूरी है भाई, अब आप पढ़ लो कलमा, गणपति की मूर्ति रखो अपने घर में, और 2-4 साल बाद जब भारत आ जाओ तो ठीक है। एक 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 पागलपन, एक वहशत से जब आप घिरे होते हो तो इट इज ऑल राइट टू इम्प्रोवाइज एंड सेव योरसेल्फ। लेकिन जिस जमाने में मेरी रिसर्च, ओशनोग्राफिक रिसर्च, स्पेस रिसर्च, फार्मास्यूटिकल रिसर्च इस पर, और कोविड जैसी भीषण महामारी मनुष्यता के सामने मुंह खोले खड़ी है, ये मूर्खताएं चल रही हैं, धर्मांतरण हो रहे हैं लोगों के, जैसे कोई पता नहीं कहां कौन सी हूरें इनके लिए प्रतीक्षारत हैं इनके लिए। तो अभी तो हिंदू समाज सिर्फ इसको मूक दर्शक बना हेल्पलेसली देख ही सकता है ताहिर भाई।
हमारी संस्था इस प्रयास में लगी है कि हम किसी तरह से इनको वहां से निकालें, लेकिन जनवरी 2020 के बाद भारत में एक भी हिंदू शरणार्थी निकल के नहीं आया है। कुछ दो या चार परिवार अटारी बॉर्डर से आए थे, लेकिन जो ट्रेन है जो कराची से और मुनाबाव जोधपुर के बीच में चलती थी, और मेजर जो बल्क ऑफ जो रेफ्यूजीज आते थे वो उसी से आते थे, प्रति सप्ताह वो ट्रेन आती है, तो आती थी बल्कि, तो उसका ट्रेन का दोनों देशों की पाकिस्तान और भारत के बीच में जो घृणा और जो जो नफरतें बढ़ी हैं उसके कारण वो ट्रेन भी बंद हो गई है। तो अभी तो ये 1 करोड़ पाकिस्तान में हिंदू बसते हैं, मुझे कोई अभी लेटेस्ट जो जानकारी मिली है 2-4 लोगों से, अनकन्फर्म्ड है, कन्फर्म तो नहीं है क्योंकि वहां पर सेंसस ही पूरा डाउटफुल है। 1 करोड़ के लगभग ये हिंदू वहां पर हॉस्टेजेस हैं, हिंदू और सरदार और क्रिश्चियन दोनों, देखते हैं। अभी तो कोई समाज, सिविलाइज समाज कुछ उनकी मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि सब अपनी ही जान बचाने में लगे हुए हैं, अपने अपने देशों के इकोसिस्टम्स, उनकी वो जो वैक्सीन की रिसर्च हो रही है, रोज नई खबरें आती हैं, मीडिया अपना अलग खेल खेल रहा है। तो एक अभी तो जो है ना कि वो हमारे मारवाड़ में कहते हैं कि भाई पहलवान जोर लगा, पहलवान ताकत लगा कि पैर टिके तो जोर लगाऊं, पैर तो हवा में उठा रखे सामने वाले ने मेरे, तो वो बेचारे, इसलिए हर समाज अपनी रक्षा में लगा हुआ है। ये तो इस वक्त दे आर ऑन द साइडलाइंस। जी चलिए, इस वक्त तो ठीक है कि COVID-19 का जमाना है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, हम समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन COVID-19 की कहानी तो ये 6-7 महीने की है। इससे पहले कौन सा इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने मदद की प्रैक्टिकली, सवाए भारत के या आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा, किन्होंने मदद की अब तक, अगर हम देखें कि इनको उठा के लाए हों? इतनी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं, सीरियंस आ गए पूरी दुनिया में, हमें उन पर कोई नहीं इशू, ठीक है अगर वो रेफ्यूजी जेन्युइन है तो आ जाए, मगर इनको क्यों नहीं उठाया किसी ने आज तक? एक ब्लाइंड स्पॉट है आई थिंक इसमें, मैं और किसी को दोष नहीं देता, हम हिंदू लीडरशिप को ही दोष दे सकते हैं, हम स्वयं दोषी हैं इसके। यानी अब मैं 50 साल का हूं तो मैंने 40 साल की उम्र में मुद्दा क्यों उठाया? मैं 30 साल का था, जब 20 साल का था तब मुझे विषय के बारे में मुझे पता नहीं था। अकस्मात किसी डॉक्टर से, कराची के डॉक्टर से, मैं अपने काम में व्हेन आई वाज वर्किंग, मेरा उससे पाला पड़ा, उस आदमी ने जब मुझे बात सुनाई तो मेरा थोड़ा सा हृदय द्रवित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न हिंदू, आप पे अल्टीमेटली ह्यूमन बर्थ तो एक मिस्ट्री है ना, वो एक एक्सीडेंट है, हमें क्या पता कि हम किसी मुसलमान के घर में जन्म ले रहे हैं, किसी ईसाई के घर में जन्म ले रहे हैं, क्या किसको पता, हु नोज। लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक घर में जन्म ले लेता है, उसका जीना दूभर है, उसकी प्रॉपर्टी हराम है, उसकी बच्ची जो है वो उसके सामने उसका शील भंग होगा, तो ये तो क्या कर रहे थे हमारे लीडर्स? कहां था पूरी दुनिया का मीडिया? कि क्या ये इंसान नहीं है? जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज इनको दर्द नहीं होता? क्या ये रोबोट्स हैं? कि क्या कसूर क्या है? क्या कोई प्लेबिसाइट हुआ था 47 में, इनसे पूछा गया था भाई तुम यहां रहोगे? इनके साथ तो इस शताब्दी का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। सिंध में जो थारपारकर जिला है ताहिर भाई, वहां की पॉपुलेशन कोई मुझे बताता है अब भी 50% हिंदू है। तो सोचिए जब पार्टीशन हुआ था, जब विभाजन हुआ था, तो 90% हिंदू थे, किस लॉजिक से वो पाकिस्तान को दिया गया? जो आज जो करतारपुर बॉर्डर का बड़ा ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते हैं, किस लॉजिक से ये पाकिस्तान को दिया गया, कोई मुझे बताए? तो ये तो हम खुद दोषी हैं इसके, किसी को दोष नहीं दे सकते। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बिना रोए मां भी दूध नहीं पिलाती, तो हमें रोना पड़ेगा, हमें दुनिया को बताना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चल रहा है वो काम, हम उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं पूरे को, और इसको लेकर जाएंगे पूरी विषय तक। अब मैं देखिए, इसमें मैं किसी को कोई दोष नहीं देना चाहता सिवाय इसके कि हमारे बंदों को, हमारे सरदारों को, हमारे हिंदुओं को माफ करो यार, वो इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल के विक्टिम्स हैं। देखिए, एक मौका उन्हें दे दो निकलने का वहां से, मेरी एक ही विनती है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से, एक चांस उनको दे दो भाई निकलने का वहां से, उसके बाद उनका भाग्य। अब आप जैसे अपन ने आज जब हमने जो चर्चा शुरू की थी, वो 11 लोगों ने सुसाइड कर ली, ठीक है वो हो गया, किसी के साथ कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, कभी किसी की जिंदगी में कोई शादी किसी की गलत हो जाती है, किसी का बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, वो तो जो प्रकृति जो सजा देती है वो तो अलग है, लेकिन एक जीवन का अवसर इन हिंदुओं सरदारों को दे दिया जाए, मेरी एक पूरी विश्व के समाज से एक विनती है,
मेरे कुछ ज्यादा इसमें मेरी कुछ ज्यादा गहरी सोच नहीं है। मैं इसको ह्यूमैनिटेरियन भी नहीं मानता हूँ कि ये लोग मुझे कहते हैं आप इतना बड़ा काम करें, मैं कहता हूं कोई बड़ा बड़ा काम नहीं है। वन चांस एट लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ, दैट्स ऑल। आप कहते हैं इनको वन चांस मिल जाए वहां से निकलने का, लेकिन सवाल ये डॉक्टर साहब इनको समोएगा क्या, कहां पे ये जाएंगे? क्या भारत लाखों हिंदुओं को, सिखों को जो पाकिस्तान में परसिक्यूटेड जिंदगी गुजार रहे हैं, वो एकदम से अपने अंदर समो सकेगा? दो बातें हैं इसमें कि पहली बात तो एक साथ निकलेंगे क्या, नहीं ये संभव नहीं है। ये हमारी ऑलरेडी यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट से, हमारे भारत के एस्टेब्लिशमेंट से बात हो चुकी है, क्योंकि जितने भी 2000 वीजाज भारत की एम्बेसी पाकिस्तान में देती है रावलपिंडी में, उनकी स्ट्रिक्ट वेटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है। यानी कल को पता चला कि कोई जिहादी आतंकवादी ने अगर यहाँ बम विस्फोट कर दिया और पाकिस्तानी हिंदुओं के नाम पर, तो ये पूरा विषय ही पूरा बदनाम हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि 2000 का हमने कोशिश प्रयास किया था, होम मिनिस्टर से बात हुई थी 5000 या 10000 वीजा कर दिया जाए, लेकिन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए अभी राजी नहीं है। तो एक साथ तो निकलेंगे नहीं ताहिर भाई, लेकिन यदि निकल भी जाते हैं तो भारत में आराम से खपा लिए जाएंगे। कारण उसका यह है कि भारत की जो आर्थिक इस वक्त प्रावेस है, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल भारत का है, वो अभी राइज कर रहा है। और जैसे राजस्थान में आप देखिए जो हमारा लेबर है वो पूरा बिहार से आता है, यूपी से आता है, तो काम करने वाले के लिए जगह है, मीलों हजारों मीलों जमीन खाली पड़ी है राजस्थान में, काम करने वाले के लिए काम हो जाएगा। यही मैं निवेदन कर रहा था कि वन चांस एट अ डिग्निफाइड लाइफ, अगर 1 करोड़ पाकिस्तान से हिंदू और सरदार निकलकर आते हैं, इवन क्रिश्चियन आते हैं उनका स्वागत है, वो रहें, अपने सम्मान से जिंदगी जिए, निडर होके जिए, भारत के लॉ को, भारत के न्याय व्यवस्था को मानते हुए जिए। हम तो बांग्लादेश से 2 करोड़ निकालने के मूड में है, क्योंकि देखिए अगर वो लोग वहीं छोड़ दिए जाते हैं तो दे विल आइदर बी किल्ड और कन्वर्टेड, दैट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। वो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हम सोचकर भी डरते हैं। यानी 3 करोड़ हिंदुओं को अगर सडनली आप कन्वर्ट कर देंगे या मार डालेंगे, तो वो तो 71 में हो गया, वो जब 25-30 लाख इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने सल्टा दिए थे, नॉट इन 21st सेंचुरी, जब पूरी दुनिया देख रही है, 24/7 टेलीविजन का युग है। तो ये तो फिर हमारे माथे पे कलंक होगा ना, कि हमारी आंखों के सामने इतने हिंदुओं को और इतने सरदारों को जस्ट बिकॉज दे आर हिंदूज उनको खत्म कर दिया जाए। भारत इनको ले लेगा, अपने अपनी भारत माँ जिसको हम कहते हैं वो अपनी छाती में इनको लगा लेगी, कोई उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आज की जो हम बातचीत कर रहे हैं इसमें आखिर में डॉक्टर साहब ये हमें बताएं कि इस सारी सूरत हाल को, जब कोविड का ज़माना भी चल रहा है, आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं? चूँकि आप डॉक्टर भी हैं, आपका एक अपना हॉस्पिटल भी है राजस्थान में, तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में फिर ये कोविड ज़ाहिर है ये एक फैक्टर एडिशनल बन गया। पूरी दुनिया को तो खैर पहले भी जो पाकिस्तान में परसिक्यूटेड बसने वाले हिंदू और सिख हैं उनकी कोई परवाह नहीं थी, ना दुनिया ने उनको बुलाया, लेकिन भारत तो बुला रहा था। CAA का काम भी इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि भाई हम परसिक्यूटर्स को जगह देंगे। तो अब कोविड के ज़माने में आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाले महीनों में, सालों में, सारी सूरत हाल को? As a practicing surgeon, as a practicing medical practitioner, मैं कह सकता हूँ कि कोविड आई थिंक पीक कर चुका है। जो डेथ रेट्स रही हैं पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में परमात्मा की कृपा से बहुत अलार्मिंग नहीं है, एंड आई थिंक वी हैव सीन द वर्स्ट। अब केस पॉजिटिव होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अल्टीमेटली जैसे जैसे वायरस फैलेगा इसके प्रति पूरी मानव जाति की इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। ये एक नेचुरल साइकिल है जो हमें पढ़ाया जाता है, हर 7 साल में इन्फ्लुएंजा का वायरस अपनी एंटीजन को शिफ्ट करके और नए रूप में आता है, ताकि उसमें ये नेचर का मैकेनिज्म है, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसको। जो जो कमजोर होगा, जो बेचारा, जो उम्र ज्यादा होगी, जिसकी जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होगी, वो इस वायरस उसको दबा देगा, उसको खत्म कर देगा। बट अदरवाइज एज मैनकाइंड, एज ह्यूमैनिटी, हम लोग वी विल ओवरकम दिस क्राइसिस I think in the next 3 to 4 months, but especially in context of Pakistani Hindus,
कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है सिवाय इसके कि अगले 3-4 महीने में और 2000 परिवार हिंदुओं के इस्लाम ग्रहण कर लेंगे डर के मारे या भूख के मारे। लेकिन दीर्घकालिक जो लॉन्ग टर्म संघर्ष है वो यही है कि इस पूरे विषय को पाकिस्तानी हिंदुओं, पाकिस्तानी सरदारों, पाकिस्तानी ईसाइयों, मुख्यतः इन तीन धर्मों के लोगों को पूरे विषय को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए, उन्हें बताया जाए कि इन व्यक्तियों की, इन बेचारे निरपराध विक्टिम्स ऑफ टाइम के लोगों की क्या दोष है जिसके लिए इनको इनको इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि इनकी बच्चियां उठ रही हैं, इनके बिजनेसेस इनसे छीने जा रहे हैं, इनकी जानें सुरक्षित नहीं हैं। तो अगर दुनिया का आत्मसम्मान, उसकी जिसे आत्मा कहते हैं, वो मरी हुई ना है और जागी, तो इसका नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान को एज अ स्टेट इस पर जवाब देना पड़ेगा। और मेरा वो विषय नहीं है, पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान के कर्ता धरता जाने, मेरा विषय सिर्फ ये हिंदू है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन हिंदुओं, सरदारों को, ईसाइयों को हम वहां से निकालकर एक चांस एट अ डिग्निफाइड लाइफ दे पाएं। ये आगे का प्लान है। और इसमें एक छोटा सा कैवियट मैं और दे दूं कि हमारा ये प्रयास भी है कि हम इन हिंदुओं को जो हमारी हिंदू कंट्रीज थोड़ी बहुत जहां हिंदू पॉपुलेशन रहती है, जैसे सूरीनाम है, मॉरिशस है, वेस्ट इंडीज में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, वहां की गवर्नमेंट में इस वक्त काफी हिंदूज जो है प्रोमिनेंट पोजीशन पर हैं और उन्होंने ये इच्छा जताई है कि हम इन हिंदुओं को वहां पर ट्रांसलोकेट कर सकें। तो जैसे ही कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद ट्रैवल शुरू होगी, जब यातायात शुरू होगा, तो कुछ हजार, कुछ लाख हिंदुओं को हम निकालने में सफलता प्राप्त होंगे। और अंततोगत्वा जिहाद अगर पूरी तरह सॉल्व नहीं होता है, जिसकी कि मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, कल राजीव मल्होत्रा जी का और टॉम क्विगिन का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि किस तरह से फाइनेंसिंग हो रही है, वो बड़ा, बहुत बड़ा खेल है, तो वो तो होगा नहीं। तो फिर जो भी पाकिस्तान की नियति है, पाकिस्तान वाले जाने, लेकिन अगले 10 साल की टाइमलाइन में हम इन हिंदुओं, सरदारों और ईसाइयों को वहां से निकालना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत अहम बात है कि आपकी क्या काविशें हैं, आप क्या कोशिश कर रही हैं, कि अगले 10 साल का एक टारगेट है जिसमें आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले जो परसिक्यूटेड हिंदू और सिख हैं और उनके साथ साथ क्रिश्चियंस को भी दावत दे रही है भारत की सरकार कि वो भी आके बस सकते हैं अपनी वेटिंग के बाद, वो इधर आ जाएं। और कोविड का ज़माना है, कोविड के ज़माने में इस वक्त दिक्कतें ज़रूर होंगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। आज के बिला तकल्लुफ तजिए में आप बहुत सारी बातों पर मेरा तजिया सुनेंगे। अभी आपने डॉक्टर अमिंद्रा रत्नू साहब के साथ वीडियो लिंक पर एक अहम बातचीत सुनी जिससे आपको अंदाज़ा हुआ कि भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं का एक रेफ्यूजी जो फैमिली था, उन्होंने ख़ुदकुशी की। और उसके अलावा डॉक्टर अमिंद्रा रत्नू जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका क्या प्लान है भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं, सिखों और क्रिश्चियंस को बसाने के हवाले से जो भारत में बसना चाहते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है आज उनके मुल्क ने COVID-19 की जंग के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर ली है। ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ साइंस मिस्टर वाल्कोव एंड मिस पपोवा, हु विल रिपोर्ट ऑन द सैनिटरी एंड एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग स्कूल्स। बट बिफोर वी स्टार्ट With that, before we start discussing the main issue we've gathered for today, as per tradition, we'll discuss a number of current issues. उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो वैक्सीन है उन्होंने अपनी बेटी को भी दी, ये किसी सूरत भी खतरनाक नहीं है, अगरचे दुनिया के साइंटिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स स्केप्टिकल हैं इस वैक्सीन के हवाले से। उनका ये कहना है कि ये बहुत जल्दबाजी है, इसका नतीजा कोई गलत भी हो सकता है इंसानियत पर। मगर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी टेलीविज़न पर आकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ये वैक्सीन बहुत सेफ़ है, और अगर ये वैक्सीन वाकई ही सेफ़ साबित होती है तो मैं ये समझता हूँ कि रूस की तरफ से
इंसानियत के लिए ये पहला तोहफा होगा। अगर इस वैक्सीन में अगर कोई खामियां हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो खामियां साइंटिफिक रिसर्च में सामने आ जाएंगी और इस वैक्सीन को तैयार करने, मार्केट करने, लोगों तक पहुंचाने के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि रूसी हुकूमत की जो इंटेंशंस हैं वो नोबल हैं। इस वक्त कोविड-19 वायरस की वजह से मिलियंस एंड मिलियंस लोग इफ़ेक्ट हो चुके हैं। पूरी दुनिया एपरेंट और ना दिखाई देने वाले लॉकडाउन का शिकार है। कोविड-19 के इसी तनाजुर में एक अहम डिबेट बिल गेट्स और फरीद ज़करिया की CNN पर हुई। उन्होंने पाकिस्तान और भारत का भी कुछ तذکرہ किया। वो एक एक लाइन थी दोनों मुल्कों के हवाले से। बिल गेट्स ने इतना कहा कि कराची में एकदम से ये इन्फेक्शन बढ़ी थी, जो ख़तरनाक बात थी, और भारत में जिस तरह ये इन्फेक्शन बढ़ रही है ये एक अलार्मिंग है। उस पर पाकिस्तानी नरेटिव सोशल मीडिया पर यह अब सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने काबू कर लिया, भारत इसको काबू नहीं कर सका। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट है जो सोशल मीडिया पे चल रही है। यूँ लगता है कि अगर कोई एक्सपर्ट्स बिल गेट्स हों या टीवी एंकर फरीद ज़करिया हों, वो कुछ सरसरी बात भी भारत और पाकिस्तान के बारे करेंगे तो बात का बतंगड़ बन जाएगा और अपने अपने हिसाब से दोनों मुल्कों की जनता उसको लेंगे। दोनों मुल्कों की जनता एक ही कल्चर की है, एक ही DNA की है, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही इनका लाइफस्टाइल है, मगर वो जो हेट्रेड टू नेशन की बेस पर 72 ईयर्स से चली आ रही है वो बदकिस्मती से अब रगों तक सरायत कर चुकी है और एक ही तरह के लोग मुख्तलिफ तरह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़रा हो जाते हैं। बहरहाल ये अपनी जगह पे एक हकीकत है। इसी कोविड-19 के ज़माने में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी मिडल ईस्ट में बैरूत एक्सप्लोजन के सिलसिले में पिछले हफ्ता हुई, जिसमें इतलात के मुताबिक अब तक 150 से ज़ायद लोग मर चुके हैं, लाखों डिस्प्लेस हो चुके हैं, हज़ारों इंजर्ड हो चुके हैं। लबनान में जो सूरत हाल है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के रेजिग्नेशन के बाद जो करप्शन की सूरत हाल है वो दुनिया के सामने पहले भी लबनान के हवाले से सामने थी, अब फिर वो सामने आ रही है। ये वही मुल्क हुआ करता था लबनान जहाँ पर आज से 40-50 साल पहले, बल्कि 50 साल पहले किस कदर रोशन ख्याली थी, अमारत थी, मगर उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पर इस्लामाइजेशन आई और फिर शिया सुन्नी फसाद आए, फिर क्रिश्चियंस के साथ मुस्लिम सिविलाइजेशन के क्लैशेस आए, वो अब इस नहज तक पहुँच गए हैं कि मुल्क आलमोस्ट बैंक्रप्सी के दहाने पर है और इस एक्सप्लोजन ने वाज़े तौर पर उस सोसाइटी को बता दिया कि वो सोसाइटी अब किस ख़तरनाक नहज पर है। लोग, आम जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं और मसाइल बढ़ रहे हैं। ये वो सोसाइटी थी जो मिडल ईस्ट की रोशन ख्याल और अमीर तरीन सोसाइटी हुआ करती थी। इसी तरह कोविड-19 के ज़माने में हम बेलोरस के जो देखते हैं मामलात, बेलोरूस में इंतखाबात हुए हाल ही में और अलेक्जेंडर जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी बढ़तरी को कायम रखा है। ये दावा किया कि 80% वोट उनको मिले, जबकि 3 खवातीन पर मुश्तमिल अपोजिशन की लीडरशिप उनके ख़िलाफ़ डटी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि आप ने धांधली की। इसके साथ साथ आज बिला तकल्लुम में बहुत अहम बातचीत होगी, मुख्तसर तजिया होगा अमेरिका के इलेक्शन और अमेरिका में जहां इस वक्त आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड अपनी हाइट्स पर खेला जा रहा है, और इस तनाजर में हमें ये भी देखना है कि जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के 10 हफ्तों बाद वायलेंस बढ़ते चले जा रहे हैं। इन वायलेंस को, इन प्रोटेस्ट को मुख्तलिफ शहरों की जो डेमोक्रेट्स पार्टियां हैं, उनके जो मेयर्स हैं, उनके जो गवर्नर हैं, वो सपोर्ट करते थे। अब
वो भी इनसे तंग आ गए हैं, उनके भी अब मेयर्स और गवर्नर्स कह रहे हैं कि ये लॉलेसनेस काबिले कबूल नहीं होगी। पहले डेमोक्रेट्स ने और एक्सट्रीम लेफ्ट के लोगों ने सोचा कि हम इन प्रोटेस्ट को सदर ट्रंप के खिलाफ बरतेंगे, मगर जब यही प्रोटेस्ट उनके अपने शहरों को बर्बाद कर रहे हैं तो अब उनको भी बोलना पड़ रहा है कि इनफ इज इनफ। उधर जो बाइडन का ये ख्याल है कि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पर किसी खातून को सामने लाएं, और प्रेफरेबली अगर वो कलर्ड बैकग्राउंड की खातून हो तो उनको सामने लाएं। जो बाइडन ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड एक बार फिर खेला, उन्होंने कहा हिस्पैनिक कम्युनिटी को कि आप उस तरह यूनाइटेड नहीं हैं, उस तरह सदर ट्रंप के या कंजर्वेटिव जो पार्टी है रिपब्लिकन उसके ख़िलाफ़ नहीं है जिस तरह आपको होना चाहिए, आप भी एक माइनॉरिटी हैं, आपको भी ख़िलाफ़ होना चाहिए, ब्लैक तो हैं ही उनके ख़िलाफ़। ये जो बाइडन ने ख़ुद ही परसीव कर लिया जब उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि वो ब्लैक नहीं जो उनको वोट ना दे, जो डेमोक्रेट्स का साथ ना दे। उस पर बहुत सारे ब्लैक लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि आपने कैसे ये परसीव कर लिया, कैसे कंसीव कर लिया कि सारी ब्लैक कम्युनिटी आपके साथ है। बहुत सारे ब्लैक कम्युनिटी के जो ग्रो हैं वो सदर ट्रंप के भी सपोर्टर हैं। तो बहरहाल ये पोलराइज जो पॉलिटिक्स का अंदाज़ है ये इस वक्त अमरीका में अपनी इंतहाओं को छू रहा है। आने वाले अमरीकी इलेक्शन से अंदाज़ा होगा कि इस पोलराइज पॉलिटिक्स का क्या अंजाम होता है, क्या अवाम सदर ट्रंप को ही रीएलेक्ट करते हैं या सदर ट्रंप को ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। और आखिर में मैं बात करूंगा कनाडा के हवाले से। कनाडा में एक अहम ख़बर जो पूरी दुनिया की ख़बरों का हिस्सा बनी वो सऊदी डेथ स्क्वाड के हवाले से था। यहाँ पर कनाडा में साबिक सऊदी इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने पनाह ली हुई है, उन्होंने इंटरनेशनली ये एक स्टेटमेंट दी कि मुझे मारने के लिए सऊदी डेथ स्क्वाड सऊदी अरब से भेजा गया था। और उनकी खुशकिस्मती है कि कनाडा के बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज ने उस डेथ स्क्वाड को कनाडा नहीं घुसने दिया। इसके साथ साथ एक अहम पेशरफ्त हिंदू फोरम कनाडा हिंदू डायस्पोरा की तरफ से थी। पहली बार किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की इजाज़त मांगी है कनाडा की तमाम म्यूनसिपैलिटी से कि उनको कोविड-19 की वजह से इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो अपने हिंदू भजन हिंदू हाइम्स जो हैं वो 11 अगस्त से 1 सितंबर तक कनाडा के हिंदू मंदिरों से लाउडस्पीकर के ज़रिए 5 मिनट के लिए रोज़ाना 21 दिन तक उनको ब्रॉडकास्ट करने दिया जाए। इस पर बहुत सारे सिटीज़ ने उनको परमिशन दे दी है। Namaskar to everybody. Today is the happiest moment in Canada and the world history. Hindu Forum Canada has created history to asking the cities to permit to broadcast Hindu hymns, Gayatri Mantra, Hanuman Chalisa. That's what we are doing today. You can observe the crowd, you can see the hymns, enjoy the vibrant Hindu culture. नमस्कार टू एवरीवन। जी आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा शुभ दिन है, हिस्टोरिक डे है। आई थिंक नाउ हमें सभी को मिलकर एक और काम करना चाहिए कि इसको 20 दिन कंटिन्यूसली ये प्रथा चलती रहे और हमारे जो बुजुर्ग हैं और भाई बहन हैं वो भी सुनते हैं। कनाडा में आज सबसे खुशी का दिन जन्माष्टमी के दिन आज पहला दिन है हमारा कि हिंदू हाइम्स को स्पीकर के ऊपर हमें अलाउ किया गया है। वन ऑफ द बेस्ट डे, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरी एंड हिस्ट्री क्रिएटेड इन हिंदूज बाय हिंदू फोरम कनाडा। आज के बिला तकल्लुफ तजिया को देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।